हेलो दोस्तों, मैं एडम सिंह फ्यूचर टेक में आप सबका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हमारे पास है नोट 4 रेडमी का है और ये बहुत ही प्रीमियम फोन लग रहा है, तो आज हम इसको अनबॉक्सिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रेडमी नोट 4 का बॉक्स ये है और इसको अभी अनबॉक्सिंग करेंगे, खोल के देखते हैं क्या है अंदर। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर हमारा प्रीमियम फ़ोन रेडमी नोट 4 है। देखिए कितना लग्जरियस लग रहा है। अभी इसको खोल के देखेंगे, इसको बॉक्स को। तो ये है डाटा केबल, इसका 2 एम्पीयर का अडेप्टर और सिम इजेक्टर टूल है, और ये मैनुअल है इसका। तो दोस्तों, अभी फोन को ऑन करके देखते हैं। खुल गया है। इसका कैमरा देखते हैं, देखिए अच्छा है। और इसका जो फ्रंट कैमरा है वो भी पूरा सही है। जी दोस्तों, ये 7.0 नॉगेट का है, सॉरी इसमें अपडेट नहीं आया अभी। ये 6.0 मार्शमेलो का ही है, जब देख सकते हैं इसका, ये मार्शमेलो का ही है। और ये 64 GB का है, और ये आपका, ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका सिम टूल है, और इसमें आप हाइब्रिड सिम डाल सकते हो। अगर एक सिम डालोगे और दूसरा माइक्रो एसडी, और अगर दो सिम डालोगे और माइक्रो एसडी डाल नहीं पाओगे। वैसे भी आपको 64 GB में कुछ माइक्रो एसडी का कुछ ज़रूरत नहीं होगा। जी दोस्तों, ये फ़ोन फिंगरप्रिंट सेंसर का भी मतलब लेस है। देखते हैं इसका फिंगरप्रिंट सेंसर। देखिए दोस्तों, अभी इसका फिंगरप्रिंट हम लेस करेंगे इसमें। थोड़ा टाइम लग रहा है, देखिए अब सक्सेसफुल हो गया। अब इसको डन करते हैं, देखते हैं अभी ये खुलता है कि नहीं फिंगरप्रिंट से। देखिए ये खुल गया, फिर से दिखाते हैं। देखो ये खुल चुका है। तो दोस्तों, इसका जो फ्रंट मेगापिक्सल है वो 8 का है, जो हमको हम बता दिए थे इससे पहले। और बैक का 13 मेगापिक्सल का है। और इसका जो वीडियो क्वालिटी है वो 1080p 720p पे भी हो सकता है, जो कि हम बोले थे 5.5 फुल HD का है। और जो इसका माइक्रो एसडी है 256 तक ये एक्सपेंडेबल हो सकता है। और इसका जो प्रोसेसर है वो क्वालकम प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 625, जो कि गेम खेलने में बहुत आसानी होगी, कुछ लैग वगैरह कुछ नहीं होगा।